नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार राणा है और आप देख रहे हैं देवेंद्र राणा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर को सबसे पहले क्या काम मिलता है करने के लिए। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हो, किसी भी शूटिंग पे जाते हो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आपको सबसे पहले क्या काम मिलता है, ठीक है। तो देखिए, जाते जाते आपको कोई काम स्टार्टिंग से आपको कोई बड़ा काम नहीं पकड़ा देगा। और देखिए क्या होता है, हर एक शो में अलग अलग असिस्टेंट होते हैं और हर असिस्टेंट का अपना अपना काम होता है। कोई कंटिन्यूटी लिखता है, तो कोई प्रॉप्स की कंटिन्यूटी देखता है, तो कोई ड्रेस की कंटिन्यूटी देखता है। तो हर एक असिस्टेंट का अपना अलग अलग काम होता है, उनको अलग अलग काम दिया जाता है, वो अपना अपना काम देखते हैं। लेकिन जब हम किसी शो में जाते हैं एकदम बिल्कुल नए, हमको कुछ नहीं पता होता है, तो देखिए सबसे पहले एक हफ्ते तक अगर आप मान लीजिए टी वी शो ज्वाइन करते हो, तो जाते जाते आपको कोई एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला आपको कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपको समझ ही नहीं है उस काम करने की, तो आपको कोई भी काम देकर अपना काम बेकार नहीं करना चाहता यार। क्योंकि शूटिंग पे टाइम की बड़ी लिमिटेशंस होती है, अगर आपकी छोटी मोटी गलतियों के कारण हो सकता है उनका भारी नुकसान हो जाए। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसा कोई बड़ा काम आपको नहीं मिलता है, ठीक है। एक हफ्ते तक आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक जिम्मेदारी वाला कोई डिपार्टमेंट संभालने का आपको काम मिलता है। जो भी असिस्टेंट वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के साथ आपको रहना होता है, चीज़ों को देखना होता है, सीखना होता है कि क्या वो करते हैं, और आप थोड़ी मोटी चीज़ें सीखते हो। और स्टार्टिंग में जैसे आपको आर्टिस्ट बुलाने का काम आपको मिल जाता है, वो भी मेन आर्टिस्ट की बात मैं नहीं करता हूँ, जो भी जूनियर आर्टिस्ट हैं या वन डे टू डे वाले आते हैं छोटे मोटे करेक्ट के लिए, उनको बुलाने का आपको काम मिल जाता है, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग, भले आप स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन स्क्रिप्ट बांटने का काम आपको मिल जाता है, शेड्यूल देना, जितने भी क्रू होते हैं, जितने भी अपनी डायरेक्शन टीम होती है, प्रोडक्शन होते हैं, मतलब आप शेड्यूल बांटने का काम कर सकते हो। तो जितने भी ये छोटे मोटे काम है ना, आपको स्टार्टिंग में ये काम करते हो, ठीक है, सब लोग करते हैं, आप भी करोगे। लेकिन जब आप एक हफ्ता या 15 दिन आप अपने किसी भी शो में बिता लेते हो, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आने लगती है। कि जैसे डायरेक्शन की बात करें, तो आपको एंगल क्या कितने होते हैं, शॉट्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट में कितने कट होते हैं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है, और शॉट्स एंगल भी थोड़े बहुत तुमको समझ में आने लगती है। तब हो सकता है आपको कंटिन्यूटी लिखने का आपको काम दे दिया जाए। कंटिन्यूटी हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। और देखिए, कोई कोई शो में कंटिन्यूटी लिखा जाता है, या कोई कोई शो में क्लैप बजता है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कैमरे के सामने एक असिस्टेंट क्लैप मारता है, ठीक है, तो वो भी सबसे पहला वही काम होता है, वो क्लैप मारने का भी काम मिल जाता है, ठीक, क्लैप रुपए का काम मिल जाता है। और लेकिन कोई कोई शो में आपको TCR लिखने का काम होता है। TCR को ही कंटिन्यूटी बोलते हैं। TCR का फुल फॉर्म होता है टाइम कोड रिकॉर्डर, मतलब शॉट की अवधि कितनी है, हम लोग उसको कैसे लिखा जाता है, हम लोग कंप्लीट हम प्रैक्टिकल लिख कर भी यहाँ पर देखने वाले हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में TCR लिखना ही बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं किसी शो में गया था, तो मुझे एक हफ्ते के बाद मैं भी TCR लिखने लगा था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप एक किसी शो में जाओगे, तो एक हफ्ते के बाद आपको भी TCR लिखने का काम मिल जाएगा। तो भाई वहाँ पे जाओगे, एक हफ्ते के बाद आप सीखोगे। मैं आप पहले ही बता देता हूँ कि TCR कैसे लिखते हैं। देखो, TCR लिखने का मतलब क्या होता है। देखो, TCR जितनी भी कंटिन्यूटी सारी चीज़ें होती हैं, ये एडिटिंग प्रोसेस के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं, पहले ऐसे हम समझ लेते हैं, बाद में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि TCR बुक कैसे, एक TCR एक बुक होता है, और उसमें बहुत सारे कालम बने होते हैं, अब उनको उन कालम को भरना होता है। और सबसे पहले लिखा होता है कि डेट कौन सा है, डेट भरेंगे उस पर, और प्रोडक्शन हाउस का नाम भरेंगे, शूटिंग किस लोकेशन पर हो रही है आप वो डालेंगे, जितने भी बेसिक डिटेल्स होती हैं आपको उस सीट पर लिखना होता है मैनुअली पेन से, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना होता है कि जैसे मान लीजिए सीन शूटिंग स्टार्ट होगी, तो शूटिंग कितने बजे से स्टार्ट हुई, तो उसका कैमरा रोल टाइम आपको वहाँ पे लिखना होगा, और कौन सा एपिसोड का कौन सा नंबर से शूट हो रहा है, तो आप कॉलम में वो लिखोगे। सीन में मतलब एक सीन में जैसे मान लीजिए सीन नंबर 1 चल रहा है, एपिसोड नंबर 5 का सीन नंबर 1 चल रहा है, तो उसमें जो भी शॉट शूट हो रहा है उसमें कितने आर्टिस्ट हैं, तो अब उनको उन आर्टिस्टों का नाम भी आपको लिखना होगा। आपको करेक्टर नाम लिखना होगा कि इस सीन में इतने आर्टिस्ट हैं। फिर वो सीन का मतलब फ्रेम साइज क्या है, मतलब वो साइज वाइड शॉट है या मिड शॉट है या थ्री शॉट है, मतलब जो भी फ्रेम साइज है आपको फ्रेम साइज आपको लिखना होगा। उस सीन में क्या हो रहा है और डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना होगा। ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लिखेंगे, आप सारी चीज़ें देख कर लिखेंगे, जो शूटिंग हो रही उसी को आप देखेंगे, और उसी चीज़ को आपको अपने कंटिन्यूटी सीट पर आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद जितने मैंने बताया कि ये जो भी डिटेल्स शूटिंग में होती है, वही आपको देखकर उस TCR बुक में आपको लिखना होता है। लिखने के बाद ये TCR बुक चला जाता है प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं इनको भेज देते हैं एडिटिंग के लिए। अब इसको क्यों लिखा जाता है, पहले ये समझ लो। जैसे मान के चलिए कोई भी सीन शूट हो रहा है, ठीक है, कोई सीन शूट हुआ,
तो शूट तो यहाँ पे हो रहा है, एडिटर तो यहाँ पे बैठा नहीं है। अब डायरेक्टर ने दो शॉट्स लिए, एक शॉट्स ओके है, एक शॉट एनजी है, मतलब एनजी का मतलब होता है नॉट गुड। ठीक है, जब आप सीन शूट होता है तो डायरेक्टर बोलता है शॉट इज ओके, तो वहाँ पे आपको मेंशन भी करना होता है, वो टीसीआर में कलम होता है एनजी और ओके और एनजी का। अगर शॉट्स ओके होता है तो आपको ओके लिख देते हैं, अगर डायरेक्टर बोलता है कोई शॉट का रीटेक लेता है, बोलता है ये शॉट अच्छा नहीं है, हम इस शॉट को रीटेक लेंगे, तो आप वहाँ पर एनजी लिख सकते हो, मतलब ये शॉट नॉट गुड है, तो आपको ओके एनजी भी मेंशन करना होता है। तो जैसे मान चलिए डायरेक्टर ने एक ही सीन के तीन रिटेक लिए, लेकिन उसमें से एक ओके है तीन एनजी है, तो ये बातें डायरेक्टर ने शूट किया तो उसको पता है, हो सकता है कि एडिटिंग 3-4 दिन के बाद हो रही, तो वो भी भूल जाएगा कि मैंने कौन सा शॉट्स लिया था, उसमें से कौन सा ओके है कौन सा एनजी है। अगर आप उसको लिखोगे नहीं तो एडिटर जहाँ पर बैठकर एडिट कर रहा है उसको कौन सा पता कि तीन एक ही चीज़ के तीन शॉट्स इन्होंने लिए, लेकिन कौन सा शॉट्स ओके कौन सा शॉट्स एनजी है, तो उसमें से वो बेचारा कौन सा शॉट्स लगा देगा। अगर गलत शॉट्स लगा देगा तो डायरेक्टर की गाली खाएगा यार। तो करेक्ट चीज़ें यहाँ पे एडिटिंग में गलती ना हो, फॉल्टर ना हो, इसलिए टीसीआर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि इसमें से ये शॉट्स ओके हैं, तो वो शॉट्स वहाँ पे जाकर लगा देता है। इसके साथ साथ एक स्क्रीन पे जो ट्रैक्टर का स्क्रीन होता है, तो उस स्क्रीन पे एक एक नंबर चलता रहता है जिसको हम टीसीआर नंबर बोलते हैं, तो उसी नंबर को हमको नोट करके लिखना होता है। ठीक है, ये नंबर कैसा होता है, स्क्रीन पे कैसे दिखता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि टीसीआर क्या होता है, टीसीआर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको कंटिन्यूटी भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी लिखना बोलते हैं इसको। ये बेसिकली एडिटिंग प्रोसेस के लिखा जाता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब मैं आपको इस शीट को मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शीट कैसे होती है। टीसीआर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, आप देख लो कि टीसीआर यही टीसीआर शीट है जिसमें हम कंटिन्यूटी लिखते हैं, उसमें मेंशन भी है कंटिन्यूटी शीट। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये कंटिन्यूटी शीट मिली है यार। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और सबसे पहले देख लो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर का नाम, यहाँ पे डायरेक्टर का नाम आपको लिखना होगा, फिर कैमरामैन का, फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट का, प्रोड्यूसर का, इसके बाद शो का टाइटल यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसके बाद लोकेशन डाल सकते हो। लोकेशन आपको लोकेशन क्या डालना है, सीन का लोकेशन क्या है, वो स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगी। ये सीन आउटडोर है या इनडोर है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो। टाइमिंग क्या है और DOP का नाम यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये बेसिक चीज़ होती है, आप चाहो तो इनको भर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें भरना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है एपिसोड। ठीक है, यहाँ पे एपिसोड नंबर डालेंगे और कौन सा एपिसोड का कौन सा सीन शूट हो रहा है वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर शॉट नंबर हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे, शॉट नंबर क्या होता है हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, जो एक कोड होता है चलता रहता है। इसके बाद यहाँ पर टेक लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ओके या एनजी, मतलब कौन सा शॉट्स ओके हैं या एनजी है, मतलब जो शॉट्स ओके होगा ओके लिख देंगे, एनजी होगा तो एनजी लिख देंगे, मतलब नॉट गुड। ये मैं इसके बाद फुटेज रेटिंग, मतलब फ्रेम साइज यहाँ पे आपको लिखना होता है कि वाइड है, कॉम्पैक्ट है, 3 शॉट्स है या OS है, ये आपको शूटिंग पर आपको देख कर यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सीन का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है कि उस सीन में क्या चल रहा है। जैसे राम और श्याम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं राम और श्याम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन होता है जो आप सीन का सीन आप पढ़ोगे, स्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर लास्ट में हमारा रिमर्श होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली इसमें कोई स्पेशल चीज़ लिखते हैं, जैसे मान के चलिए जो भी सीन शूट हो रहा है उसमें कोई बैलेंस रह गया, या कुछ पिछला सीन शूट करना है, या ये जो शॉट्स हो रहा है ये प्रोमो के लिए जाना है, तो जो भी रिमार्क्स आपको जो भी बचता है वो वहाँ पे आप मेंशन चीज़ें होती हैं। ठीक है, नहीं तो ये कॉलम ऐसे ही खाली रहता है। ठीक है, ये है कंटिन्यूटी सीट। और फिर लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम लिखेंगे, जो भी इस सीट को लिख रहा है उसका यहाँ पे नाम होगा यहाँ पे। और फिर रोल टाइम आपको यहाँ पे लिखना होता है कि सीन शूटिंग कब से स्टार्ट हुई, मतलब सुबह अगर 8 बजे शूटिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कैमरा कब रोल हुआ है, तो यहाँ पे रोल टाइम आपको लिखना होता है। और फिर इसके बाद बैकअप टाइम, मतलब ये है एक कंटिन्यूटी सीट मेरे पास है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग इसको देखकर समझ सकते हैं कि एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ कंटिन्यूटी ऐसे ही लिखा जाता है, बल्कि एक ओरिजिनल एक कंटिन्यूटी सीट है। यहाँ पे शो का नाम देख सकते हैं विक्रम बेताल, जो कि 2018 में जो शो आता था उसी का एक कंटिन्यूटी सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसने लिखा है एपिसोड नंबर 97 का सीन नंबर 8 यहाँ पर शूट हो रहा है, उसका शॉट नंबर ये है, टेक खाली है। बेसिकली टेक जब हम किसी का वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं, जब उसमें रीटेक होते हैं, तो उसका हम यहाँ पे टेक नंबर 2 टेक नंबर 3 यहाँ पे लिखते हैं। और बेसिकली ऑन शूटिंग में सारी चीज़ें खाली रहती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है ओके और एनजी, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉट्स ओके हैं, तो यहाँ पे सारे शॉट्स यहाँ पे ओके हैं। अगर एनजी होता तो यहाँ पे एनजी मेंशन होता। फिर आपकी फोटो से रेटिंग है, यहाँ पे आप फ्रेमिंग से लिख सकते हो, यहाँ पे वाइड शॉट चला, फिर यहाँ पे 2 शॉट्स लगा,
यहाँ पे OS लगा, फिर OS 3 शॉर्ट्स यहाँ पे लगा। तो ये शॉर्ट साइट है, आप फिल्म मेकिंग सीखोगे धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा है विक्रम टार्क। फिर यहाँ पर जो भी सीन में जो भी सारी चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। फिर लास्ट में हमारा बसता है रिमार्क से बेसिकली खाली रहता है, मैंने आपको जैसे बताया था। और इसके बाद ठीक है, बस यही एक यही कंटिन्यूटी सीट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है B003, ये होता है हमारा SD कार्ड नंबर होता है, ठीक है। और जब कैमरे में जो भी SD कार्ड लगता है तो वो भी डिस्प्ले पे शो होता है, तो उसको भी मेंशन करना होता है ताकि SD कार्ड इधर से उधर ना हो, ठीक है। तो ये भी हम लोग मेंशन कर देते हैं इसके अंदर। और जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारे शॉर्ट नंबर होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे चल रहा है, एक रीडिंग यहाँ पे चल रही है TCG, इसको ही TCR नंबर बोलते हैं। इसी नंबर आपको TCR बुक में मेंशन करना होता है शॉर्ट नंबर के कॉलम में, इसको आपको लिखना होता है। आप कैसे लिखेंगे, और जैसे मान के चलिए कि यहाँ से डायरेक्टर ने बोला एक्शंस, तो एक्शन बोलने पर अभी जो भी नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, हम एक्शन बोला सीन चलने लगा, और मान के चलिए यहाँ पे सीन खत्म हुआ, डायरेक्टर ने कट बोल दिया, कट बोलने पर यहाँ पे जो भी नंबर अब आए, जो भी रीडिंग अब आती है, इसी रीडिंग को हमको TCR बुक में मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है B002C017, इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा B002 होता है ये जो हमारा पहला का जो चार डिजिट का जो नंबर होता है ये होता है हमारा SD कार्ड नंबर, जो मैंने आपको बताया था कि TCR बुक में मेंशन होता है, आपको इसको भी लिखना होता है। तो स्टार्टिंग के जो चार नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे SD कार्ड का नंबर होता है, और इसके बाद होता है C017, जो इसके चार लास्ट के जो चार होते हैं ये होता है हमारा शॉर्ट नंबर। इसी शॉर्ट नंबर को आपको वहाँ पर लिखना होता है, तो चाहे आप ये लिखो या ये शॉर्ट नंबर लिखो या चाहे आप TCG नंबर लिखो, दोनों में से आपको एक को मेंशन करना होता है अपने कंटिन्यूटी सीट में, ठीक है। जैसे अभी सीन है, अभी सीन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अभी जो आपका जो शॉर्ट नंबर है C017 है, और थोड़ी देर बाद सीन चलने के बाद ये नंबर चलता रहता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीन चला और जब भी डायरेक्टर कट बोलेगा, जहाँ से सीन खत्म होगा, तो ये नंबर यहाँ से चेंज हो जाएगा, फिर जो नंबर आएगा वो शॉर्ट नंबर आपको अपने TCR बुक में मेंशन करना होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि TCR क्या होता है और TCR कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी आपको TCR लिखना नहीं आता, अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलकर मैं आपको और डिटेल्स में आपको मैं प्रैक्टिकली शूट पे जाते हुए आपको दिखाऊंगा कि TCR एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे ही फिल्म मेकिंग की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। और मैं एक चीज़ और भी हमें आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई किताबी आपको ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में जो चीज़ें होती हैं शूटिंग पे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक हर एक असिस्टेंट का क्या क्या काम होता है, वो कैसे और काम करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मुझे तो नहीं लगता कि इतनी डिटेल्स में किसी ने TCR लिखना बताया होगा, तो मैं आपको जो भी चीज़ें होती हैं मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप भले ही आप शो पे शूटिंग नहीं करते हो, आप घर पे रहते ही हर एक असिस्टेंट का काम आप बहुत ही आसानी से घर पर रहते हुए आप लोग सीख सकते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एंड अभी तक हम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।